Hey guys, how are you doing? सब बढ़िया होगा obviously. मैं जा रही हूँ आज हाटू ही जा रहे हैं ना, पक्का कंफर्म है ना. पता चले कि मेरे साथ छेड़छाड़ी कर दी सुमित ने. हम जा रहे हैं हाटू पे. मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ तीन जने, मेरे को मिला के तीन जने हैं. फोटोग्राफर अपनी पीछे शक्ल घुमा के बैठते हैं, ऑब्वियसली कैमरा से फोटोग्राफर्स को बहुत शर्म आती है. ये रहे हमारे फोटोग्राफर हमारे साथ जो कि गिम्बल लेकर आए हैं. सो हम जा रहे हैं हाटू. हमें नहीं पता हम पहुंच पाएंगे कि नहीं, बट हम ट्राई करेंगे. गाड़ी ऊपर तक नहीं जा सकती, हमें 7 किलोमीटर का अराउंड ट्रैक करना है आज. लेट्स सी कि हम कर पाते कि नहीं. ये लोग कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी. ऑब्वियसली लड़की देख के सारे ऐसा क्यों बोलते हैं, जब मैं बंजी के टाइम पे भी यही सुन रही थी. नहीं होगी सबसे पहले मैं ही खुद ही थी. यही करते हैं लड़के लोग. तो गाइस ट्रैक पता है ऐसा है, पूरा पहाड़ी चढ़नी है आपने नीचे से ऊपर तक. इट्स लाइक मुझे नहीं पता पहाड़ी चढ़नी है, मुझे पता पहाड़ी चढ़नी है, मुझे पता ऐसी पहाड़ी चढ़नी है. सो गाइस हम यू ऑल ट्रैक कर रहे हैं और अभी हमें पहुंचने में ऊपर 1 घंटा है. सो ट्रैक इज रियली टफ, एज़ यू कैन सी. दिस इज अ ट्रैक, थोड़ा ट्रैक बर्फ के ऊपर भी है एंड नारकंडा वहां पर है. एंड नॉर्मली लोग इस ट्रैक से नहीं जाते, नॉर्मली लोग दूसरे ट्रैक से जाते हैं. ये पूरा पहाड़ों से निकलता है, नॉर्मली लोग रोड वाला ट्रैक करते हैं. फाइनली हम VIP है गाइस. सो गाइस हमने हाफ ट्रैक पूरा कर लिया है, अभी हमने हाफ ही करा है, अभी हाफ और बाकी है. हम ब्रेक ले रहे हैं, ऑरेंज ब्रेक, संतरा ब्रेक और बिस्किट ब्रेक. सो यहाँ ये व्यू बहुत प्यारा है. नहीं मैं ध्यान से बैठी हूँ, नो वरी. मेरी नजरों ने दिल का किया जो असर, असर ध्यान से. हम पहुंच गए हैं, 5 मिनट का रास्ता है हाटू. हमने अराउंड 4 से 5 किलोमीटर के ट्रैक किया, 7 किलोमीटर का रास्ता है अगर हम सीधा रोड से आते हैं तो. और हम रुके हैं कुछ खाने, चाय पीने या फिर मैगी खाने. ऑल्दो आई एम नॉट अ चाय फैन, बट थैंक गॉड मैंने ट्रैक कर लिया सीधा पहाड़ों से चढ़ते चढ़ते. आई एम सो इम्प्रेस, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं मतलब लोग आए हैं जो मतलब आंटी आई हैं यार ट्रैक करके. कितना अच्छा लगता है उस टाइम टैटू देखकर, आंटी टैटू बनवा रही थी यहाँ पे ऐसे देख के, बहुत अच्छा लगता है. सो गाइस हम पहुंच गए हैं ऊपर हाटू माता के मंदिर. हमने ट्रैक किया है
अराउंड 12,000 फीट का हम चढ़े थे। हम कहाँ से चढ़े थे? सिद्धपुर से चढ़े थे। हमारी गाड़ी सिद्धपुर पे पार्क्ड है। हम हाटू माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। मज़ा आया ट्रैक करने में, और बर्फ़ इतनी थी, बर्फ़ के ऊपर पहाड़ों पे, ओ माय गॉड, हाटू मंदिर ज़ीरो, इट्स लाइक इट वाज फन। सो ये टाइम यहाँ आने का अगर ट्रैक करते हो तो परफेक्ट है। सो गाइस, आप लोग कहाँ से आए हो? दिल्ली से, नजफगढ़। मैं भी दिल्ली से हूँ यार। मैं दिल्ली ट्रॉनिका सिटी, दिल्ली एनसीआर। हाँ, मतलब वही दिल्ली एनसीआर। चलो गाइस, मैं स्पेशली आंटी आपसे इंस्पायर हुई हूँ। पांडव आके रुके थे यहाँ पर भी। संचूल के बाद में यहाँ पर आई हूँ, तो संचूल के बाद यहाँ पर भी पांडव की स्टोरी है गाइस। और यहाँ उनका चूल्हा भी है। अंदर की नकाशी देखे बिना मत जाना, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। सो यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। इट्स अ वेरी ब्रीक वर्क विद ड्रैगन, मतलब अंदर हर भगवान की ऑलमोस्ट कहते हैं ना बारीक नकाशी हुई हुई है। सो गाइस, हमारे दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे रहे हैं जाकर कि मुझे मंदिर अंदर सुमित सन दिखाया है। और हम जा रहे हैं अभी थोड़ा सा ऊपर बैठने थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहाड़ दिख रहे हैं सारे पीछे, हिमालयस, और बहुत सेक्सी हिमालयस दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट हिमालयस दिख रहे हैं। बट अगर किसी ने वॉशरूम जाना है तो वहाँ है, और नीचे मैगी पॉइंट है, तो भूख जिसको लग रही हो नीचे थोड़ा सा जाके 5 मिनट का डिस्टेंस है मैगी पॉइंट का। यहाँ पर सीढ़ियाँ भी है बाय द वे, अगर आप सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हो आप सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं। सो गाइस, ये है पांडव का चूल्हा, ये है नंबर एक और वो है नंबर दो, तो ये दोनों हैं पांडवों के चूल्हे। हम आ गए हैं ऊपर। सो गाइस, वी आर गोइंग बैक। हम लोगों ने माउंटेन्स में खाना खाया घर से लाया हुआ, एंड ट्रैक बहुत टफ है, तो मैं मोबाइल बैग में डाल रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और फॉलो माई पेज। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू।